नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, एक व्यूअर ने अपने घर का प्लान भेजा है, जानना चाहा है कि इसका वास्तु कैसा है। इतना ही लिखा था उन्होंने अपने प्लान में व्हाट्सएप पर। ये प्लान है, ये इसमें दिशाएं जो दक्षिण दिशा है, पश्चिम, उत्तर और ये हो गया पूर्व दिशा। ये चार दिशा हो गई और मुख्य द्वार इन्होंने रखा है दक्षिण में। एक द्वार यहाँ पर भी है, यह टॉयलेट बाथरूम है वायव्य कोण में, ये नृत्य कोण में। नृत्य कोण में टॉयलेट बाथरूम है, ये किचन है इनका, ये दो कमरे हैं, ठीक है ना, और ये सीढ़ियाँ हैं। दोस्तों, इसका वास्तु में बहुत गड़बड़ है। अपन एक एक चीज़ देखते हैं कि क्या गड़बड़ है। देखिए, पहली बात तो है कि इसकी ये यहाँ है ये 23 फिट 5 इंच, यहाँ है 27 फिट। मतलब ये दिशा इस तरह आगे बढ़ी जिनने दीवार तिरछी बनाई है, ठीक है ना। तो यहाँ लगभग 3-4 फिट का गैप है, मैंने बढ़ा हुआ इस तरीके से। दूसरी तरफ आप देखिए कि इधर भी वो है, ये 66 फिट है और ये जो 59 फिट है, इधर भी बढ़ा हुआ है। अब पहले इस बढ़ाव की बात करते हैं दक्षिण में। दक्षिण में दिशा में दक्षिण के साथ मिलकर नृत्य कोण में बढ़ा हुआ है। दक्षिण के साथ मिलकर नृत्य कोण में बढ़ा हुआ है। अब जब दक्षिण साथ मिलकर नृत्य कोण में बढ़ा होता है तो मालिक हमेशा प्राण भय, अकाल मृत्यु, पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ हो ना जाए मुझे, इस भय से पीड़ित रहता है। बाकी आर्थिक समस्या तो आती रहती है, तो सबसे बड़ी समस्या होती है यह भय से पीड़ित होना। और इधर है पश्चिम के साथ मिलकर नृत्य में बढ़ाओ। अब पश्चिम के साथ मिलकर नृत्य बड़ा होता है तो धन की भारी हानि होती है और मालिक गलत संगत में, कुकर्मों में, गलत कामों में अपना पैसा खर्च करता है। व्यसन का दास होता है, मतलब कोई आदत हो बाय दी, जैसे उदाहरण दे रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा इनके बारे में, पर व्यसन कैसा, इसको शराब पीने का व्यसन है और कहीं नशा करना, कोई गलत पत्ते खेलने का व्यसन, व्यसन है, पैसे बर्बादी होगी, जिद्दी होगा, आलसी होगा और कोई एफर्ट्स नहीं करेगा, धन की बर्बादी ही करेगा और कुछ नहीं करेगा। इधर टॉयलेट बाथरूम है और जिस तरह मकान दिख रहा है उसके हिसाब से यहाँ टॉयलेट बाथरूम साउथ वेस्ट में है, कोई बात नहीं, आप बना सकते हो, पर इसका सेपरेट एंगल निश्चित यहाँ बना होगा। तब सेप क्योंकि मुझे लग रहा है, क्योंकि ऐसा मकान नहीं जिसमें कि कुछ सीवरेज लाइन होगी, तो सेपरेट एंगल इसके यहीं कहीं होगा। अब सेपरेट एंगल होगा तो हर तरह की समस्याएं, बीमारियां घर में, मतलब स्त्रीपुरुष दोनों को, कोई कॉर्नर पर है, श्वास संबंधी कष्ट है, आर्थिक कष्ट है, मानसिक शारीरिक परेशानियां, मतलब विभिन्न प्रकार की समस्याएं। ऐसे घर में कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि जेल जाने की नौबत भी आ जाती है, जो बनावट इस तरीके से। इधर आइए आप, किचन ठीक है, पश्चिम में किचन है और दीवार के साथ कम है तो पश्चिम का किचन चलता है। ये महिलाओं में घर में जो महिला, उनमें आपस में तालमेल तो है कम से कम। ये जीना है ठीक है, ये दो कमरे हैं और ये बरामदा है और ये ओपन है। तो देखिए, ये कमरे बने हैं तो निश्चित, ये ओपन आंगन है तो निश्चित रूप से ये ऊंचे होंगे थोड़े से, 6 इंच 4 इंच, ताकि पानी बहके ना जाए, मतलब ईस्ट और ईशान को ऊंचा हो गया, बाकी हिस्सा नीचा हो गया, तो ये भी गलत है। मतलब इससे धन आगमन नहीं होता, बेटों की तरक्कियाँ नहीं, बड़े बेटे की तरक्की, दूसरे बेटों की तरक्की, मतलब समस्या ही आती हैं, ठीक। ये दरवाजा पूर्व अग्नि का, यानी घर में पूर्व अग्नि का द्वार बताता है, ये भी मुख्य द्वार लिखा है। ये विवाद और कलह का काम होता है, यानी परिवार में कलह बहुत है, विवाद बहुत है। जब ऐसे हालात होते हैं, स्थिति खराबियाँ हों तो आर्थिक स्थिति बिगड़ती, तो हालात ऐसे बन ही जाते हैं। पर ये गेट भी अपना काम कर रहा है और ये द्वार जो है नृत्य की तरफ जा रहा है, ये द्वार भी गलत है। अब एक बात तो रहता है, ये लिखा है नागफनी निवारण, और नागफनी निवारण मतलब इन लगता है किसी और को दिखाने बताया होगा, नागफनी कोई उपाय करा होगा। दोस्तों, जब वास्तु दोष होता है तो बहुत ही महत्वपूर्ण वास्तु दोष है, बहुत सारे वास्तु दोष हैं, वास्तु दोष छोट वास्तु दोष है किसी किस्म का भी, तो आप कितने उपाय कर लें, पूजा पाठ यंत्र तंत्र मंत्र कुछ लगा लें, गाड़ लें, पिरामिड जो करना कर लें, एक नए पैसे का फायदा नहीं होता है। जितने लोग उपाय बताते हैं सब गलत राय देते हैं, एक नए पैसे का फायदा नहीं होता है। यदि इन्होंने 50 उपाय भी किए हो ना, एक नए पैसे का फायदा नहीं होगा। इनको चाहिए
अपने घर की बनावट में परिवर्तन करें, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, ठीक है ना। अब ये लिखते हैं मुख्य द्वार फ्रंट को बदलना पड़ेगा क्या, आगे दुकान निकालें तो क्या करेंगे, और क्रॉस कटिंग करने पर कुछ बहुत समझ में नहीं आ रहा मेरे। अब देखिए, यदि इस घर को सुधारना है तो करना क्या पड़ेगा, इनको चाहिए एक दीवार बना के इसको सीधा करें, इस हिस्से को अलग कर दें, इधर से दीवार बना के इसको इधर करें तो इसको 90 डिग्री करें, इसको देखो पूरे घर का फ्लोर लेवल, पूरे घर का फ्लोर लेवल कपड़ों की जो है फ्लोर लेवल उसके बराबर आंगन में पूरे फ्लोर लेवल कर दें। ये लेटरिन बाथरूम यहाँ से तोड़ के यहाँ पर सेफ्टी टैंक बनाएं यदि बनाना है, और इस कंपाउंड से दूर यानी कि 3-2.5 फीट कोई चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं है, 2.5 फीट दूर यहाँ लेटरिन बाथरूम बनाएं, ना इससे चिपकता हो ना इससे, जैसे किचन नहीं अलग अलग बना हुआ दोनों तरफ से, वैसा यहाँ लेटरिन बाथरूम बना लें। एक दुकान बनानी है, इसके बाद एक दुकान यहाँ बना लें, एक दुकान यहाँ बना लो, ये रास्ता यहाँ कर लें, इस रास्ते को बंद कर लें, इस रास्ते को बनाना तो यहाँ बना सकते हैं ये, ठीक। और इसको भी सीधा करना है, इसको भी सीधा करना, और मुझे लग रहा है ये भी तिरछी थोड़ी, यदि हो सकता है सीधी हो, पर यदि ये भी तिरछी तो इसको भी सीधा करना होगा, क्योंकि ईशान दब रहा है। ऐसे वक्त में यदि इस तरह पूर्व साथ मिलकर अग्नि बढ़ा हो तो उस घर में संतान प्राप्ति होती, घर में सदस्यों की संख्या बढ़ती नहीं है, धीरे धीरे कम होती जाती है, सदस्यों की संख्या बढ़ती नहीं, धीरे धीरे कम होती जाती है, तो ये इनको सीधा करना पड़ेगा। तो ये करते हैं तो निश्चित इनको राहत मिलेगी, ये तय बात है। और इस टैंक को पूरा मिट्टी डाल के बंद करना पड़ेगा, इसको ठोस बंद करेंगे और फिर इधर बनाएंगे तो इनके घर में पैसे की आमदनी भी होने लग जाएगी थोड़ी, भले सेफ्टी टैंक है पर पूर्व का गड्ढा पैसा लाने में हेल्प करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। नमस्कार।